Welcome. This video is from Kebira Academy. Myself Lata Mishra, and today I'll teach English, class first, chapter 11. Johnny goes to school. This is a story, and I'm going to read this, and I'm going to explain you. Mother said, "Johnny, you are going to school today." Mother Johnny को कहती है कि आज तुम स्कूल जा रहे हो. It will be your first day at school. ये तुम्हारा आज पहला दिन होगा स्कूल में. I hope you will have a good time. मैं ऐसा होप करती हूँ कि तुम्हारा स्कूल में अच्छा टाइम बीते. After that, Johnny got ready. He wore new clothes, took his new bag. There were some books, a pencil box, and a lunch box in it. Johnny got ready. अब क्या होता है? Johnny school के लिए तैयार होता है. He wore new clothes. वो नए कपड़े पहनता है. क्योंकि ये school का पहला दिन था, तो वो नए कपड़े, यानी कि अपना नया school dress पहनता है, जो कि वो school जाने के लिए लेके आया. Took his new bag. और अपना नया bag लिया. There were some books. उसके अंदर कुछ books, a pencil box, एक pencil का box, and a lunch box in it. जिसमें उसके नए bag में कुछ किताबें, एक pencil box और एक lunch box रखा गया, और या फिर उसमें पड़ा था. Mother took Johnny to school by car. When Johnny saw all the children, he was very happy. अब जॉनी की मम्मी जॉनी को स्कूल में किससे ले गई? अपनी कार से. तो अक्सर ऐसा होता है, पेरेंट्स पहले दिन बच्चों को अपनी अपने कन्वेंस से छोड़ते हैं, या फिर वो बाइक से जाते हैं, या फिर अगर उनके पास कार होती है तो वो कार से आते हैं. क्योंकि वो उनका पहला दिन होता है, इसलिए वो थोड़े घबराते हैं, इसलिए पेरेंट्स उनको अपने आप छोड़ने आते हैं. When Johnny saw all the children, अब जॉनी ने जब देखा और बच्चों को, he was very happy, तो वो बहुत खुश हुआ. जैसे कि आप भी पहले दिन आए होंगे, मम्मी पापा के साथ आए होंगे, और दूसरे बच्चों को देखकर जो खुशी होती है वो आप ही जानते हो. After that, the bell rang and all the children ran to their classrooms. Johnny sat at his desk in the front row. It was their poetry class. The teacher taught them Johnny, yes, Papa. अब क्या होता है? The bell rang. घंटी बज जाती है. And all the children ran to their classrooms. और सब बच्चे भागकर अपनी क्लासरूम में जाते हैं. जैसे कि आपके स्कूल में होता है, घंटी बजने के बाद सब बच्चे धीरे धीरे अपने क्लासरूम की तरफ चलते हैं. Johnny sat at his desk in the front row. अब जॉनी फ्रंट रो में जो डेस्क होता है, डेस्क मीन्स होता है अ टेबल वेयर वन कैन रीड एंड राइट. अब वहां पर जाके जॉनी बैठ जाता है, जो डेस्क पहली रो में होता है, फ्रंट रो में. इट वॉज देयर पोएट्री क्लास. अब ये उनकी कौन सी क्लास थी? चल रही थी पहली घंटी के बाद जब बेल बजी, तो उसके बाद उनकी कौन सी क्लास चली? पोएट्री क्लास. द टीचर टॉट देम जॉनी एस पापा. और उनकी टीचर ने उन्हें क्या सिखाया? एक पोएट्री है जॉनी यस पापा, एक पोएम है. तो आपको भी आती होगी, जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा. आफ्टर दैट द बेल रैंग फॉर देयर ब्रेक. The children stood lies. Johnny tells lies. Open your mouth, Johnny. Ha ha ha. अब क्या होता है? The bell rang for their break. अब एक और बेल बजती है जो उनका ब्रेक टाइम होता है, यानी कि उनको ब्रेक मिलता है किसके लिए? लंच के लिए. The children stood lies. Johnny tells lies. Open your mouth. Ha ha. Open your mouth, Johnny. Ha ha ha. The children stood around
जॉनी मेकिंग फन ऑफ हिम. चिल्ड्रन जॉनी के आसपास खड़े होते हैं और उसका मजाक बनाते हैं. दूसरे का मजाक बनाना अच्छी बात नहीं होती, नहीं होती ना जॉनी. अब चिल्ड्रन उसका मजाक बनाते हैं. क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो एक पहले पोएम पढ़ चुके हैं, ओपन योर माउथ हा हा हा. अब चिल्ड्रन उसके पास खड़े होते हैं, उसके आसपास उसका मजाक बनाते हैं. जॉनी जॉनी टेल्स लाइज, जॉनी जॉनी झूठ बोलता है. जॉनी टेल्स लाइज, जॉनी झूठ बोलता है. ओपन योर माउथ जॉनी, अपना मुंह खोलो जॉनी. हा 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 हा. और उसको ऐसे करके चिढ़ाते हैं. आफ्टर दैट Johnny began to cry. The bell rang again. The teacher came in. She told the children not to worry Johnny. अब क्या होता है? Johnny began to cry. Johnny, क्योंकि बच्चे उसे चिढ़ा रहे थे, Johnny रोने लगा. The bell rang again. घंटी फिर से बजी. The teacher came in. टीचर अंदर आई. She told the children not to worry Johnny. और वो बच्चों से बोली, जॉनी तुम कुछ वरी मत करो. वरी मतलब होता है टू ट्रबल. जॉनी तुम कुछ ट्रबल मत लो. आफ्टर दैट व्हेन जॉनी केम होम ही टोल्ड हिज मदर व्हाट हैड हैपेंड एट स्कूल. हिज मदर गेव हिम अ जैम टार्ट एंड अ स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक एंड टोल्ड हिम नॉट टू कीप एंड टोल्ड हिम To keep a smile on his face. अब क्या होता है? When Johnny came home, Johnny अपने घर आ जाता है. He told his mother what had happened. वो अपनी मम्मी को बताता है कि स्कूल में आज उसके साथ क्या-क्या हुआ. His mother gave him a jam tart. Tart मतलब होता है a small open pastry filled with jam. एक छोटी पेस्ट्री जो जैम के साथ भरी हुई होती है, उसकी मम्मी उसको देती है. And a strawberry milkshake. और स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक. मिल्क में स्ट्रॉबेरी डाल दो तो उसको मिक्सी में चला दो तो स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बन जाता है. And told him to keep a smile on his face. और उसकी मम्मी उसे कहती है कि अपने मुंह पर हमेशा एक स्माइल रखो. थैंक यू.